बहुत समय पहले की बात है, सोनपुर नामक गांव में रचना की अभी नई नई शादी हुई थी। रचना को अपने ससुराल में गए हुए अभी सिर्फ 4 ही दिन हुए थे। अचानक रचना के पति सुरेश की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। रचना की सास और नंद रचना को अभागी मानना शुरू कर देती हैं। उसे बहुत भला बुरा सुनाती हैं। रचना की सास सुरेखा और ननंद प्रीति दोनों बेचारी रचना के ऊपर बहुत अत्याचार करती थी। एक दिन रचना सबके लिए बहुत अच्छा अच्छा पकवान बनाती है, तभी प्रीति अपनी माँ से कहती है, मम्मी जी मैंने आपसे कितनी बार कहा इस मनहूस को किचन में मत जाने दिया करो। मम्मी जी आप इस मनहूस से सिर्फ झाड़ू पोंछा, कपड़े धोने और बाहर का ही काम करवाया करो, किचन का नहीं। पता नहीं इसने भैया को क्या खिलाया जिसकी वजह से उनकी इतनी तबीयत खराब हो गई। अगर इसने हमारे खाने में जहर मिला दिया तो हम क्या करेंगे। 4 दिन हुए हैं इसकी शादी को और आते ही घर में मनहूसियत फैला दी। हाँ हाँ मेरी बच्ची तू कह तो बिल्कुल ठीक ही रही है, मुझे इसे किचन में नहीं जाने देना चाहिए था। सुन मनहूस आज के बाद तू किचन में नहीं जाएगी, सिर्फ झाड़ू पोंछा, बर्तन धोना, कपड़े धोना, इस्त्री करना और हाँ गार्डन की सफाई करना, यही काम करेगी और तेरी खाने की प्लेट तुझे मिल जाएगी। किचन से खाना लाने की जरूरत नहीं है। और ये तूने जो हमारे लिए खाना बनाया है ना, इसे कुत्ते को डाल दे, हम तेरा बना हुआ खाना नहीं खाएंगे। ऐसा कहकर प्रीति और सुरेखा रचना की इतनी मेहनत से खाना बना हुआ उसके सामने बाहर कुत्ते को डाल देती हैं और अपने लिए बाहर से खाना मंगा लेती हैं। रचना को यह सब देखकर बहुत दुख होता है और वह रोती हुई सुरेश के पास जाती है और उससे कहती है, सुरेश जी मैंने आपसे शादी करने के लिए पहले ही मना किया था, लेकिन आपकी ही जिद थी कि आपको मुझसे शादी करनी है। सुरेश जी आपकी तबीयत के पहले खराब नहीं होती थी, शादी होने के बाद ही खराब हुई है। क्या मैं सच में मनहूस हूँ? अरे नहीं रचना, तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए मैंने तुमसे शादी की, और मेरी तबीयत तुमसे शादी करने के बाद खराब नहीं हुई। बीच बीच में मुझे इस तरह से बुखार आता रहता है, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन इस बार थोड़ा ज्यादा आ गया। तुम चिंता मत करो, मैं माँ से बात करूंगा। ऐसा कहकर सुरेश रचना को दिलासा देता है, लेकिन सुरेश भी सुरेखा और प्रीति के सामने कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वह बीमार था। इसी तरह रोज रचना को सुरेखा और प्रीति की खरी खोटी सुननी पड़ती थी। रचना झाड़ू पोंछा, बर्तन कपड़े धोना सब काम क्या करती थी, बदले में उसे शाम को रूखी सूखी खाने के लिए मिलती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। अब रचना का सब्र का बांध टूट गया। एक दिन रचना अपनी सास ननंद से कहती है, अगर आपको मेरे यहाँ होने से इतनी ही परेशानी है तो मैं अपने पति के साथ इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। मैं अपना और अपने पति का ख्याल अच्छे से रख सकती हूँ। मैं लोगों के घरों में झाड़ू पोछा कर इतना तो कमा ही लूंगी कि अपना और अपने पति का इज्जत से पेट पाल सकूं। इस तरह से रोज रोज आपके ये ताने तो मुझे सुनने के लिए नहीं मिलेंगे कि मैं मनहूस हूँ। अरे वाह तुमने तो बहुत अच्छी बात की, अब चुपचाप इस घर से निकल जाओ, कम से कम तुम्हारी मनहूसियत इस घर से खत्म तो हो जाएगी। जब 2 वक्त की रोटी जुटाने में दिन रात मेहनत करोगी ना, तब पता चलेगी कि यहाँ तुम्हें कैसे मुफ्त में रोटी खाने के लिए मिल रही थी। हाँ हाँ जल्दी अपनी मनहूस शक्ल यहाँ से दफा कर, लोगों के ताने सुन सुन कर हम तंग आ गए कि हमने कैसी मनहूस बहू को अपने घर में रख रखा है। अब तू यहाँ से चली जाएगी तो हम माँ बेटी दोनों सुकून से रहेंगे। रचना प्रीति और सुरेखा की बातें सुनते ही उसके बाद सुरेश को अपना सहारा देकर घर से निकल जाती है। रचना गांव में रहने के लिए एक झोपड़ी का बंदोबस्त करती है। अब रचना और सुरेश एक झोपड़ी में रहने लगे थे। रचना लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा क्या करती थी और जो कुछ भी पैसे मिलते थे उसी से अपना और अपने पति का पेट पालती थी। रचना और सुरेश एक साथ इस छोटी सी झोपड़ी में बहुत ज्यादा खुश थे। उसे यहाँ अपनी सास और ननंद के ताने सुनने के लिए नहीं मिल रहे थे। ऐसे ही रचना की खुशहाल जिंदगी चल रही थी, लेकिन एक दिन अचानक सुरेश की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। रचना सुरेश को तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है, तभी डॉक्टर रचना से कहते हैं, देखिए आपके पति की बहुत ज्यादा तबीयत बिगड़ती जा रही है, उनकी एक किडनी बिल्कुल खराब हो चुकी है, हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर साहब
मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं अपने पति के ऑपरेशन के लिए आपको पैसे कहाँ से दूंगी। लेकिन उनका ऑपरेशन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब आप चिंता मत करना, मैं कहीं से भी पैसों का इंतज़ाम करूँगी, लेकिन अपने पति का ऑपरेशन कराऊँगी। आप मेरे पति के ऑपरेशन की तैयारियाँ कीजिए, मैं पैसों का इंतज़ाम करती हूँ। रचना डॉक्टर से ऐसा कहकर वहाँ से आ जाती है। लेकिन रचना बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि वह इतनी जल्दी इतने सारे पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करे। एक बार रचना अपने ससुराल जाने के बारे में सोचती है, लेकिन रचना अपने ससुराल से यह कहकर आई थी कि वह कभी भी मुड़कर यहाँ नहीं देखेगी, इसलिए रचना अपने ससुराल भी नहीं जा सकती। रचना बहुत परेशान होती है। तभी रचना सोचती है क्यों ना वह जहाँ काम करती है उनसे पैसे उधार मांग ले। ऐसे सोचकर रचना अपने मालकिन के पास जाती है। मालकिन जी, मैं आपके यहाँ 3 महीने से काम कर रही हूँ, आपको मेरे ऊपर थोड़ा तो भरोसा होगा ही, आपको पता है। मालकिन जी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्या आप मेरे पति के ऑपरेशन के लिए मुझे पैसे उधार दे सकती हैं? मैं आपको यहाँ काम करते करते चुका दूंगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें 1 भी रुपया उधार का नहीं दूंगी। आज मेरे यहाँ काम कर रही हो, पता नहीं कल करो या ना करो, नहीं कहीं और से अपने पति के ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम करो। मैं तो तुम्हें 1 भी फूटी कौड़ी नहीं देने वाली। अब जाओ यहाँ से, ज्यादा मूड खराब मत करो। पता नहीं गरीब कहाँ से आ जाते हैं पैसे उधार मांगने के लिए। रचना की मालकिन उसे इस तरह से दुत्कार कर अपने घर से निकाल देती है। रचना की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। अब रचना को और कोई रास्ता नजर नहीं आता कि वह सुरेश के ऑपरेशन के लिए पैसे कहाँ से इकट्ठा करे। रचना एक नदी के किनारे बैठकर बहुत रोती है। लगता है मैं सच में ही मनहूस हूँ। जब से सुरेश जी की जिंदगी में आई हूँ तब से पता नहीं उनके साथ क्या होता जा रहा है। आज उनका ऑपरेशन होने जा रहा है और मेरे पास 1 भी फूटी कौड़ी नहीं कि मैं उनका ऑपरेशन करा सकूँ। अब मैं क्या करूँ? अगर उनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन ऑपरेशन के लिए पैसे कहाँ से लेकर आऊँ? डॉक्टर मेरा इंतजार कर रहे होंगे कि कब मैं उन्हें पैसे दूं और वो कब मेरे पति का ऑपरेशन शुरू करें। ऐसा कहकर रचना बहुत जोर जोर से रो रही थी। तभी रचना के सामने एक सुंदर परी आती है और वह रचना से कहती है, तुम इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो? आखिर क्या परेशानी है मुझे बताओ। मैं एक परी हूँ, हो सकता है कि मैं तुम्हारी परेशानी को दूर कर सकूँ। परी की बात सुनने के बाद रचना परी को अपनी आप बीती बता देती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। रचना की आप बीती सुनने के बाद परी को बहुत दुख होता है। तभी परी रचना से कहती है, रचना तुम मनहूस नहीं हो और तुम्हें परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास जादुई चूड़ियों का झरना है। उस जादुई चूड़ियों के झरने से मैं तुम्हें जादुई चूड़ियाँ देती हूँ। तुम उससे जो भी कुछ मांगोगी तुम्हें तुरंत मिल जाएगा। अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर परी रचना को जादुई चूड़ियों के झरने से जादुई चूड़ियाँ देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। जादुई चूड़ियाँ देखकर रचना बहुत खुश होती है और जादुई चूड़ियों से बहुत सारे पैसे मांगती है। जादुई चूड़ियाँ, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, तुरंत मेरे सामने बहुत सारे पैसे आ जाएं। रचना के इतना कहते ही जादुई चूड़ियों से बहुत सारे पैसे निकलने लगते हैं, जिन्हें देखकर रचना बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी रचना वह सभी पैसे लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है और वहां जाकर सुरेश के ऑपरेशन के लिए जमा कर देती है। उसके बाद सुरेश का ऑपरेशन तुरंत शुरू हो जाता है। रचना बाहर बैठकर इंतज़ार कर रही थी कि कब डॉक्टर आकर उसे खुशखबरी दें कि सुरेश बिल्कुल ठीक है। कुछ समय बाद डॉक्टर आ जाते हैं और वह रचना से कहते हैं, आप बेफिक्र हो जाइए, आपके पति बिल्कुल ठीक हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। हम 2 दिन हॉस्पिटल में रखेंगे, उसके बाद तुम उन्हें घर लेकर जा सकती हो। डॉक्टर की बातें सुनकर रचना खुश हो जाती है। रचना सुरेश का बहुत ख्याल रखती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। रचना सुरेश को अपने साथ घर ले जाती है। घर जाने के बाद सुरेश रचना से कहता है, रचना तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मेरे ऑपरेशन के लिए क्या तुम मम्मी के पास गई थी? उन्होंने ऑपरेशन के लिए पैसे दिए? तभी रचना
सुरेश को सब सच बता देती है कि कैसे परी ने आकर उसे जादुई झंडे से जादुई चूड़ियां दी और उसकी मदद की। तभी रचना सुरेश से कहती है, सुरेश जी अब हमारे पास जादुई चूड़ियां हैं। परी ने कहा था हम जादुई चूड़ियों से जो भी कुछ मांगेंगे हमें मिल जाएगा। अब हम अपने लिए एक सुंदर सा घर मांग लेंगे और उस सुंदर से घर में अपनी एक सुंदर सी जिंदगी बिताएंगे। सुरेश जी हमें गांव में जो लोग गरीब और परेशान हैं हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हम जादुई चूड़ियों से जितनी चाहें उतनी धन दौलत मांग सकते हैं। हमें जादुई चूड़ियों की मदद से गरीब और परेशान लोगों की मदद करनी चाहिए। रचना जादुई चूड़ियों से अपने लिए एक सुंदर सा घर मांगती है और उसके बाद बहुत सारे धन दौलत। अब सुरेश और रचना गांव के सभी गरीब और परेशान लोगों की बहुत मदद करते थे। पूरे गांव में सुरेश और रचना का नाम होने लगा था कि वह दोनों गरीब और परेशान लोगों की कितनी मदद करते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद इस बात की खबर सुरेखा और प्रीति को लग जाती है कि रचना और सुरेश एक महल जैसे घर में रह रहे हैं और गांव में सभी गरीब और परेशान लोगों की मदद कर रहे हैं। प्रीति तूने सुना वो मनहूस रचना पास वाले गांव में कितना नाम कमा रही है। पता नहीं उस मनहूस के पास इतनी सारी धन दौलत कहाँ से आई जो लोगों में बांट रही है। ये नहीं कि अपने ससुराल के लोगों को भी देख ले। पता नहीं मेरे बेटे के ऊपर कैसा जादू किया, जिस दिन से गया है लौट कर भी नहीं देखा। मम्मी अगर भैया हमारे पास नहीं आए तो हम दोनों तो वहाँ जा सकते हैं ना, और उस बात का भी पता लगा लेंगे कि उस मनहूस के पास इतनी सारी धन दौलत कहाँ से आई। सुरेखा प्रीति की बात सुनकर खुश हो जाती है और दोनों माँ बेटी रचना और सुरेश के घर पहुँच जाती हैं। वहाँ जाकर दोनों झूठ मूठ के आंसू बहाती हैं और उनके साथ रहने लग जाती हैं। रचना समझ नहीं पाती कि वह दोनों यहाँ क्यों आई हैं, लेकिन वह फिर भी दोनों को यहाँ रहने की परमिशन दे देती है। समय बीत रहा था। एक दिन सुरेखा और प्रीति को पता चल जाता है कि रचना के पास जादुई चूड़ियाँ हैं जिनकी वजह से वह इतनी अमीर हो गई। देखा प्रीति बेटा, इस मनहूस के पास जादुई चूड़ियां हैं। अब ये जादुई चूड़ियां हम अपने साथ घर ले जाएंगे और वहां जाकर बहुत सारी धन दौलत मांगेंगे। हम इस मनहूस से ज्यादा अमीर हो जाएंगे। ये तो गरीब लोगों में बांट रही है, हम थोड़ी बांटेंगे। हम तो सारी धन दौलत अपने पास रखेंगे और बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। ऐसा सोचकर सुरेखा और प्रीति जादुई चूड़ियां अपने साथ ले जाती है और घर जाने के बाद जादुई चूड़ियों से बहुत सारी धन दौलत मांगती हैं। लेकिन धन दौलत तो नहीं, बहुत सारे सांप और बिच्छू निकलकर आते हैं और दोनों माँ बेटी को डस लेते हैं। दोनों माँ बेटी की तुरंत मृत्यु हो जाती है। दोनों को उनके लालच का फल मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जादुई चूड़ियां उड़कर रचना के पास पहुंच जाती हैं। रचना और सुरेश जादुई चूड़ियों की मदद से एक खुशहाल जीवन बिताते हैं। एक बार की बात है, उदयपुर नामक गांव में करिश्मा अपनी माँ सरस्वती और पिता दयाराम के साथ रहती थी। वह लोग गरीब थे। करिश्मा के पिता दयाराम गली गली जाकर फल बेचा करते थे और थोड़े बहुत ही पैसे कमा पाते थे, जिसकी वजह से करिश्मा का परिवार बहुत ज्यादा कठिनाइयों से गुजर रहा था। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन अचानक सड़क के किनारे करिश्मा के पिता फल बेच रहे थे, तभी एक ट्रक आता है और दयाराम को टक्कर मारकर चला जाता है। इसी एक्सीडेंट में दयाराम की मृत्यु हो जाती है। अब करिश्मा के परिवार को और भी ज्यादा दुखों का सामना करना पड़ा। करिश्मा की माँ सरस्वती बहुत ज्यादा रोती है। हे भगवान, हमारे ऊपर कैसा दुखों का पहाड़ टूट चुका। एक तो पहले ही घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चलता था, अब क्या होगा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। करिश्मा के पिता हमें छोड़कर चले गए, अब घर कैसे चलेगा, करिश्मा की पढ़ाई कैसे होगी। माँ आप परेशान मत होइए, आपको पता है मुझे सिलाई करने का कितना शौक था। तो बस मैं अपने फ्रेंड के यहाँ सिलाई सीखने जाती थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छी सिलाई करनी आ गई। अगर आपके पास कुछ पैसे जमा हो तो हम एक सिलाई मशीन खरीद सकते हैं, उसी से मैं सिलाई करूँगी और हम घर का खर्चा चलाएंगे। नहीं नहीं बेटा, तुम सिलाई नहीं करोगी, क्योंकि तुम्हारे पिताजी तुम्हें पढ़ाना चाहते थे। अगर तुम सिलाई करोगी तो पढ़ोगी कैसे, नहीं
तुम उनका सपना अधूरा नहीं छोड़ सकती। अगर मुझ पर सिलाई करनी आती होती तो मैं कर लेती, मगर मुझे सिलाई करनी नहीं आती। लेकिन मैं लोगों के घर जाकर काम तो कर सकती हूँ ना। हाँ, ये सही है, मैं घर घर जाकर लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करूँगी और तुम्हें बहुत पढ़ाऊंगी और घर का खर्चा भी चलाऊंगी। नहीं माँ, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। मैं पढ़ाई भी करूँगी और सिलाई भी करूँगी। मेरे सिलाई करने से पढ़ाई में कोई भी अड़चन नहीं आएगी। आप परेशान मत होइए, मैं पिताजी का सपना टूटने नहीं दूंगी। ऐसा कहकर करिश्मा अपनी माँ को मना लेती है और सरस्वती भी करिश्मा की बात मान लेती है और उसे एक सिलाई मशीन दिला देती है। करिश्मा दिल लगाकर सिलाई करती है और पढ़ाई भी करती है। करिश्मा दिन में पढ़ाई करती और रात में जागकर सिलाई करती और इसी तरह उनके घर का खर्चा चल रहा था। करिश्मा के ही सामने एक लड़की करिश्मा के स्कूल में पढ़ा करती थी, काव्या। उसे सिर्फ घूमने का ही शौक था। वह स्कूल के बहाने अपने दोस्तों के साथ पार्क में घूमने जाया करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और 10th क्लास का रिजल्ट आ जाता है। करिश्मा अपनी क्लास में फर्स्ट आती है, उसका बहुत नाम होता है। वहीं काव्या फेल हो जाती है, जिसके कारण काव्या की माँ काव्या को बहुत सुनाती है। काव्या, कुछ तो शर्म करो, वो देखो सामने दयाराम की बेटी करिश्मा रात में सिलाई करती है और दिन में पढ़कर फर्स्ट आई है, फर्स्ट। और तुम फेल हो गई, सिर्फ मुफ्त की रोटी तोड़नी आती है तुम्हें। तुमने तो मेरी सोसाइटी में नाक ही कटा दी। लोग क्या कहेंगे कि उस गरीब सरस्वती की बेटी फर्स्ट आई है और मेरी बेटी फेल हो गई, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। काव्या को अपनी माँ की कही बातें बहुत ज्यादा चुभती हैं और काव्या को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। काव्या करिश्मा को सबक सिखाने का सोच लेती है। नहीं करिश्मा की बच्ची, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरी माँ के सामने मुझे बुरा बनाया है ना, तुझे तो मैं अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। अब तू देखना मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। ऐसा कहकर काव्या एक प्लान बना लेती है कि उसे करिश्मा को कैसे सबक सिखाना है। और एक दिन करिश्मा के पास गांव के सरपंच की बीवी आती है अपने सालगिरह के लिए एक खूबसूरत सा लहंगा बनवाने के लिए। करिश्मा, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छी सिलाई करती हो। मैं अच्छे बुटीक पर भी अपना लहंगा बनवा सकती थी, लेकिन मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है तो इसलिए मैं अपने सालगिरह के लिए तुमसे ही अपना लहंगा बनवाऊंगी। क्या तुम मुझे कल तक लहंगा बनाकर दे सकती हो? अगर लहंगा अच्छा लगा मुझे तो तुम्हें अच्छे पैसे भी मिलेंगे, इस बात की चिंता मत करना। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, मुझे लहंगे बनाना बहुत अच्छे आते हैं। आप चिंता मत करना, आपका लहंगा बहुत अच्छा बनेगा। आप बेफिक्र हो जाएं, आपको कल तक लहंगा मिल जाएगा। सरपंच की बीवी खुश होकर वहां से चली जाती है। करिश्मा और सरपंच की बीवी की बातें काव्या सुन लेती है और उसे इसी मौके का इंतजार भी था। करिश्मा दिल लगाकर पूरी मेहनत से सरपंच की बीवी का लहंगा बहुत अच्छे से तैयार कर देती है और रात हो जाने के बाद काव्या चुपके से करिश्मा के घर चली जाती है और उस लहंगे में आग लगा देती है। आग लगाने के बाद काव्या बहुत ज्यादा हंसती है और कहती है, अब देखना करिश्मा की बच्ची, तुम्हारी पूरे गांव में कैसे थू-थू होती है, क्योंकि तुमने सरपंच की बीवी का लहंगा खराब किया है। इसकी तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हो सकता है कि तुम्हें इस गांव से भी निकाला जाए। सुबह होने के बाद सरपंच की बीवी अपना लहंगा लेने आती है। करिश्मा जैसे ही लहंगा लेने अंदर जाती है तो लहंगा पूरी तरह जला हुआ था, जिसे देखकर करिश्मा घबरा जाती है और बहुत ज्यादा परेशान होती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया, लहंगा तो पूरी तरह जल गया और शाम को तो सालगिरह की पार्टी है। अब मैं क्या जवाब दूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये क्या हो गया, लहंगा कैसे जला। करिश्मा घबराई सहमी सहमी बाहर आ जाती है और सरपंच की बीवी से कहती है, आपका लहंगा पूरी तरह तैयार है, बस थोड़ा सा काम है। अगर मैं उसे भी पूरा कर दूं तो आपका लहंगा और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। बस मुझे थोड़े समय की जरूरत है, अगर आप मुझे समय दे सकती हैं तो प्लीज दे दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे पास 5 बजे तक का समय है,
अगर मेरा लहंगा और भी ज्यादा सुंदर लग सकता है तो तुम ये समय ले सकती हो। ऐसा कहकर सरपंच की बीवी करिश्मा को 5 बजे तक का समय देकर चली जाती है। करिश्मा बहुत ज्यादा परेशान होती है कि 5 बजे तक एक नया लहंगा कैसे तैयार करेगी। तभी करिश्मा की माँ करिश्मा से पूछती है, बेटा तुम इतना परेशान क्यों हो? तुमने तो लहंगा तैयार कर दिया था, फिर तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी? सरस्वती की बातें सुनकर करिश्मा अपनी माँ को सब सच बता देती है कि जो लहंगा उसने तैयार किया था वो पूरी तरह जल गया है। अगर 5 बजे तक सरपंच की बीवी का लहंगा नहीं दिया तो उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। करिश्मा की बातें सुनकर सरस्वती करिश्मा से कहती है, बेटा तुम परेशान मत हो, बहुत समय पहले की बात है, मेरी दादी ने एक जादुई लहंगे के कुएं के बारे में मुझे बताया था। अगर तुम उस जादुई लहंगे के कुएं को अपनी परेशानी बताओगी तो वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। ठीक है माँ, मैं उस जादुई लहंगे के कुएं के पास जाऊंगी और उसे अपनी परेशानी बताऊंगी। करिश्मा सरस्वती के बताए हुए जादुई लहंगे के कुएं के पास चली जाती है और वहाँ जाकर जादुई लहंगे के कुएं से कहती है, ए जादुई लहंगे के कुएं, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, मेरे साथ बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, अगर आप मेरी मदद कर सकते हो तो प्लीज़ मेरी मदद कर दो, मुझे एक जादुई लहंगा चाहिए। आज सरपंच की बीवी की सालगिरह है, अगर मैंने 5 बजे तक लहंगा नहीं दिया तो मेरे पूरे गांव में थू थू हो जाएगी और मेरे परिवार को भी इस गांव से निकाला जा सकता है। हम लोग बहुत गरीब हैं, अपना घर छोड़कर कहां जाएंगे? मैं सिलाई कर 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 अपने घर का खर्चा चलाती हूँ, प्लीज मेरी मदद कर दो। ऐसा कहकर करिश्मा रोने लगती है। तभी जादुई लहंगे के कुएं से एक आवाज आती है, करिश्मा तुम बहुत सच्ची हो, तुमने अपनी सारी परेशानी सच सच मुझे बता दी है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मैं तुम्हें एक जादुई लहंगा देता हूँ, इसकी मदद से तुम बहुत सारे लहंगे तैयार कर सकती हो और उन्हें बेच बेच कर तुम अपनी गरीबी भी दूर कर सकती हो। ऐसा कहकर जादुई लहंगे का कुआ करिश्मा को एक जादुई लहंगा देता है। करिश्मा जादुई लहंगा लेकर बहुत ज्यादा खुश होती है और खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। करिश्मा उस जादुई लहंगे की मदद से बहुत सारे लहंगे तैयार करती है और समय रहते एक लहंगा सरपंच की बीवी को भी दे देती है। लहंगा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है, जिसे देखकर सरपंच की बीवी बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे बहुत बड़ा इनाम भी देती है। यह सब देखकर काव्या बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। जैसा काव्या करना चाहती थी वैसा कुछ भी नहीं होता। काव्या ये पता लगाने के लिए करिश्मा ने इतनी जल्दी लहंगा कैसे तैयार कर दिया उसके घर जाती है। करिश्मा और उसकी माँ की बातें सुन लेती है। करिश्मा अपनी माँ से कह रही होती है, माँ आज जादुई लहंगे के कुएं की मदद से मैंने सरपंच की बीवी का लहंगा बनाकर दे दिया, अगर लहंगा समय पर नहीं जाता तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जादुई लहंगे के कुएं के बारे में मुझे बताया। करिश्मा की बातें सुनकर काव्या को पता चल जाता है कि गांव के बाहर एक जादुई लहंगे का कुआ है। काव्या भी जादुई लहंगे के कुएं के पास जाती है और वहां जाकर ड्रामा करती है, जादुई लहंगे के कुएं, मुझे एक जादुई लहंगा चाहिए, मेरी शादी है, अगर मुझे लहंगा नहीं मिला तो मेरी शादी नहीं हो पाएगी, मुझे भी एक जादुई लहंगा दे दो। काव्या की बातें सुनकर जादुई लहंगे के कुएं को पता चल जाता है कि ये लड़की ड्रामा कर रही है, मुझसे झूठ बोल रही है, इसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। जादुई लहंगे के कुएं से तभी एक आवाज आती है, ठीक है मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन तुम्हें पहले कुएं के अंदर कूदना होगा। काव्या को लगता है कि करिश्मा को भी इसी तरह से जादुई लहंगा मिला होगा और वह बिना सोचे समझे उस कुएं में छलांग लगा देती है और कभी उस कुएं से बाहर नहीं निकल पाती, वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जादुई लहंगे की मदद से करिश्मा बहुत सारे लहंगे तैयार करती है और उन्हें बाजार में बेचकर बहुत अमीर हो जाती है और बहुत खुशी खुशी अपना जीवन बिताती है और कभी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ती।